हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और सूरत दादा भाई निकल गए हैं और है ना भाई, ठंडी चालू हो गई है मस्त एकदम। राइड करने वाला मौसम है जो आ गया है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस नए नवेले व्लॉग में। तो भाई आज है एक छोटी सी राइड के मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो भाई जो वन राइड में अपन गए थे, सारा भाई का ग्रुप है जो मतलब सारा भाई शोरूम है जो, वहाँ से जो रॉयल एनफील्ड की राइड्स होती है उसी वही ग्रुप से आज की राइड है सप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। और सारे राइडर्स लोग मिलके वहीं पे आज संडे मॉर्निंग राइड, एकदम मॉर्निंग राइड है। देखो ये सूरज दादा अभी जस्ट निकले हैं, तो भाई जा रहे हैं वहाँ पे। वो लोग आएंगे अहमदाबाद से, मैं इन सब लोगों को ज्वाइन करूँगा पेथापुर, अपना पेथापुर चौकड़ी से ही जाएंगे सब लोग, तो अपन ज्वाइन करेंगे उनको वहाँ से। तो शायद अभी पहुँच जाएंगे 5-10 मिनट में, या अभी पहुँच भी गए हो या फिर उधर से निकल भी गए हो शायद, पता नहीं है। कुछ जाके मैं मैसेज चेकआउट करता हूँ और अपडेट करता हूँ आपको। तब तक आप एंजॉय कीजिए ये सनराइज को, अभी देखेगा आगे मस्त कर लेते हैं इन लोगों का थोड़ा। यहाँ कहीं पे बाइक कर देते, खड़ी अपनी अच्छी दिखे वैसी जगह पे। भाई लोग निकली है अपनी सवारियाँ सारी, देखी आपने, बस अभी अपन कैच कर लेंगे उनको। भाई आज भी बहुत सारे बाइक्स देखने को मिलेंगे, स्क्रैम से लेके इंटरसेप्टर से लेके सुपर मीटियर से लेके सारे बाइक्स। जिनके साथ वन राइड हमने की थी वही है, और अभी कुछ मज़ा आ रहा है भाई, ग्रुप आ गया है अपना तो, और अच्छी खासी विंड ब्लास्ट है। ओ भाई बस क्या ही बताओ, अभी मज़े लीजिए इस राइड के। और भाई आगे का टायर मैंने मंगवा लिया है, आ जाएगा शायद 4-5 दिन में, फ्लिपकार्ट से मंगाया है मैंने। वैसे ऑफलाइन मुझे मिला नहीं, ऑफलाइन बहुत ट्राई किया मैंने, 2 दिन शॉप में ट्राई किया मंगवाने का मगर कोई रिस्पांस नहीं है। तो अभी ऑनलाइन देखा, मेरे को फ्लिपकार्ट में अच्छी ऑफर मिल गई, 2200 में मिल गया आगे का टायर, यही सीएट का ही मिल गया, तो भाई मंगा लिया अपन ने। अभी देखते हैं क्वालिटी कैसी निकल के आती है, पुराना वुराना कुछ ना निकले टायर, कुछ डिफेक्टिव पीस ना निकले, वही है एक बस दिमाग में, बाकी तो बढ़िया है सब। सुबह सुबह चेन लूप कर दिया था, बाइक साफ़ करने का भी टाइम नहीं मिला है, सुबह सुबह एक कपड़ा मार दिया है फटाफट से, और रात को सोते टाइम ही अपने ये अपना गोप्रो वाला सेटअप रेडी कर दिया था। सूरत दादा फुल जोश में चमचमाने लगे अभी तो, अभी थोड़ी ठंडी कम हुई है। हिमालय अभी तो हिमालय भी नया लॉन्च होने वाला है भाई, 450 ऑल न्यू हिमालय 450 विद सम न्यू डिज़ाइनिंग एंड न्यू फीचर्स आल्सो। और बोलिए भाई लोग क्या चल रहा है, मौज चल रही है कि नहीं, मौज चलती रहनी चाहिए क्योंकि अपन तो ये संडे में अपन कर रहे हैं अच्छी खासी मस्त मॉर्निंग वाले राइड। और भाई ये है गाँव का माहौल अपना, दोनों तरफ खेत मस्त, इसकी वजह से ना दो
एक डेढ़ दो डिग्री जैसा ना टेम्परेचर डाउन रहता है ऑलवेज यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आता है ठंड वाले मौसम में। और ये भाई लोग सब झुंड बनाते हुए, और कुछ कपल्स भी है, मैं भी आता कपल में, बट यार अपना अभी दर्श को लेके कैसे अभी निकले, अभी तो बेचारा 4 महीने का ही है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद उसको लेकर राइड में निकलेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। भजिया हाउस, एक छोटा सा चाय ब्रेक यहाँ पे लिया है पहले, मतलब पेथापुर से 5-10 किलोमीटर आगे वैसे ये लोग तो अहमदाबाद से आए तो जो टाइम हो गया मेरा तो 5 किलोमीटर हो गया। और ये थे हमारे साथ वन राइड में, तो ब्लॉग में देखा होगा इनको, तो यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता करके आगे कंटिन्यू करते रहे। भाई गोटा खादा अमोड़ना, जैसे खाता से खबर है अमोड़ना गोटा के लिए फेमस है। यहाँ पे स्टॉप लिया है अम्बोड़, ऐसा अम्बोड़ जाना नहीं है, खाली नाश्ता करने के लिए यहाँ पे रुके थे, तो हो गया अभी 15-20 मिनट का ब्रेक था, सब लोग रिचार्ज हो गए और अभी कंटिन्यू करते हैं आगे की राइड। ऐसे संडे में सुबह सुबह ऐसे मॉर्निंग राइड में मज़ा आता है यार, माहौल एकदम ठंडा होता है और नए नए राइडर से सब लोगों से मिलने का अच्छा लगता है। ये एनफील्ड की राइड जहाँ भी जाती है पूरा पार्किंग भर डाल दिया। अच्छी दिखती है स्क्रैम्बलर भी भाई, स्क्रैम वेरी गुड लुकिंग बाइक। और ये था मोहड़ी चौकड़ी, विजापुर, विजापुर आ गए अपन भाई। ये पिछली तो 3-4 राइड की है, उसमें विजापुर तो आता ही है बीच में, मतलब इस साइड ही करते हैं सारी राइड्स। ज़्यादा ज़्यादा चलो 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 चलो, धूम 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 वाली बेलिंग आ रहे, धूम धूम। ये एकदम बढ़िया हाईवे है, विजापुर से हिम्मत नगर वाला हाईवे है ये, बहुत ही बढ़िया, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई। एक मस्त एक शॉट लेना रह गया, एक पपी था रोड पे, था रोड पे बैठा हुआ था तो सारी बाइक्स को रोक दिया, उसको साइड में किया और फिर बाइक्स आगे बढ़ाई। अब गोप्रो बंद था उस टाइम पे, वरना मस्त एक बढ़िया सा शॉट आ जाता। एक अच्छा सा पैच भी मिल गया सिंगल पट्टी, यार पहुंच गए हम सप्तेश्वर, और गोप्रो की बैटरी बीच में ही साथ छोड़ दिया था बैटरी ने, अभी तो पावर बैंक में लगा है चार्ज पे। तो ये है अपनी पूरी बाइक की लाइनअप, यहाँ से लेके है यहाँ से लेके वहाँ तक, और सब लोग गए अंदर दर्शन करने के लिए, मैं भी अभी जाता हूँ अंदर और आपको मंदिर का भी नज़ारा दिखाता हूँ मस्त। और गोप्रो चार्जिंग में लगा तो रिटर्न में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेंगे अपन, और नदी में पानी है इस बार, तो चलिए अभी मंदिर में चला जाए और शंकर भगवान के दर्शन कर लिया जाए। और वो मैं पानी की बात कर रहा था जो झरना अंदर बहता है, वो वाली चीज़ भी दिखाता हूँ, तो लेट्स गो। हेलमेट को लॉक लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और जैकेट भी है, जैकेट तो ले लेना पड़ेगा वरना आऊँगा गायब हो जाएगा सब।
नदी में पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो मंदिर तक पानी में चला जाता है, मतलब इतना फ्लो होता है। एक मस्त लोकेशन देखी है, मंदिर से ही दिख गया था एक मस्त अच्छा पानी का वो डैम बनाया, डैम के ऊपर से पानी बह रहा है, तो बढ़िया लोकेशन है, तो चल के आए उधर। देखा तो आपको थोड़ा है अभी चलने का, और आज तो बाइक राइडिंग भी हो गई, ट्रैकिंग जैसा भी है, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग भी हो गया। मस्त व्यू है, अच्छा फोटो के लिए अच्छा लोकेशन है। और भाई अपना GoPro हो रहा है चार्ज, 50-60% तक चार्ज हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। लोगों को पानी की आवाज़ तो आने लगी होगी, अभी गर्मी लगने लगी है, पसीने पसीने निकल रहे हैं अभी। काफ़ी मज़ा आया, आधा घंटा पौना घंटा जैसा सब लोग बैठे फ़ोटो वोटो खींचे। अभी चलते हैं वापस अपनी बाइक की तरफ, और अभी 10-15 मिनट बैठ के फिर अपन निकल जाएंगे वापस। अगर ये लोग बैठेंगे तो इनको बैठने देंगे, अपन हो जाएंगे रिटर्न। गर्मी यार, अभी सुबह सुबह ठंडी लग रही थी, अभी गर्मी लग रही है। तो भाई लोग मैं निकल गया हूँ रिटर्न, अभी वो लोग शायद 10-15 मिनट बैठेंगे, बाद में निकलेंगे सब लोग। तो वैसे अभी डायरेक्ट घर ही जाने का है, तो अपन निकल गए हैं 15 मिनट पहले। और हाईवे बीच में है लसा लस, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, शायद पौना घंटा जैसा लगेगा। अपन अभी वहाँ थे, वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी। वो है मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर।
तो भाई ये है ना वो फुदेड़ा गांव है जहाँ के वो चाकू वगैरह आता है ना वो फेमस है, फुदेड़ा के चाकू। तो यार काफ़ी मज़ा आया आज राइड करके और बहुत सारे नए लोग भी मिले और बहुत टाइम के बाद आज व्लॉग आएगा भाई। नेक्स्ट वीक में कज़िन सिस्टर की एंगेजमेंट है तो वो सैटरडे संडे तो एंगेजमेंट में जाएगा। अगर वो बॉर्डर नहीं है ना तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है क्योंकि कुछ भी आ जा सकता है साइड में से। बाकी रोड एकदम लसालस है तो अपने निर्धारित समय पे अपन पहुंच जाएंगे घर पे। अभी है विजापुर 3 किलोमीटर, विजापुर आएगा उसके बाद अपने को मिलेगा हाईवे। विजापुर पीछे का रास्ता लेके अपने अभी आया हाईवे अपना गांधीनगर वाला। भाई आ गए मौड़ी, मौड़ी फटाफट आ गया एकदम जल्दी आ गया मौड़ी। ज़्यादा टाइम लगा था मौड़ी से सप्तेश्वर पहुंचने में और इस बार तो झपाक से आ गया। तो भाई अभी 11 बजने में 1 मिनट है और अपन पहुंच गए पीठापुर। मतलब आपके भाई का कैलकुलेशन एकदम खतरनाक था। 11 बजे का टाइम दिया था भाई, 11 बजे पहुंच गया मैं। तो भाई सुबह अपन इधर वेट कर रहे थे सब लोगों का तकरीबन 7 बजे और 11 o'clock आ गया रिटर्न में छोटी सी राइड करके। काफ़ी बढ़िया रही भाई आज की राइड, मज़ा आ गई राइड करीने सवार सवार में। अभी अपन थोड़ा गुजराती और हिंदी मिक्स करके बात करेंगे अंदर व्लॉग में, व्लॉग में थोड़ा गुजराती हो ना तो मज़ा पड़ी है। सुके हो दोस्तों मित्रों, सुके हो जे तमारो कमेंट सारी भी आवे ने तो आपने गुजराती में व्लॉग बनाई छू एकादो। And I am back. ए रही मां चकली, ए लई चकली, आए ले लिया। ये तो भाई आ गया हूँ घर और खाना वाना खा लिया है। मच्छर मच्छर और काफ़ी मज़ा आया आज की राइड, मॉर्निंग राइड करके सुबह वाली संडे वाली राइड करके। तो बस इस वीडियो को रखते हैं यहाँ तक। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और पहली बार चैनल को चेकआउट करो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आवजो।